हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं निकला हूँ फिर से आज ऑफलाइन राइड को लेने के लिए। ठीक है, वो ऑफलाइन वाला बंदा जो आ चुका है कोलकाता वापस, तो मेरे को फ़ोन किया था, मैं जा रहा हूँ उसको पिक करने। और पता नहीं भाई रिकॉर्डिंग का मतलब कैसा है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग को कैसा लग रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई आज जो है ना थोड़ा गलती से मेरा जी अमाउंट जो है नीचे लग गया है, जिसके कारण मुझे कैमरा दिख ही नहीं रहा कुछ भी। तो चलो इसको मैनेज करो, बाकी रुक करके कहीं पे हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो चलो ऑफलाइन राइड को कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं डायरेक्ट आपसे ऑनलाइन राइड पे। तो चलो गाइस, 8:44 पे ये मैंने लॉग इन कर दिया और देखो भाई बारिश शुरू हो गई। मेरे को लगा ही था आज बारिश होगी, रात में बारिश हुई थी और अभी फिर से शुरू। देखते हैं पहला राइड कहाँ से आती है भाई। चलो भाई साहब, फाइनली मेरे को एक ओला में राइड आ गई 212 रुपये की 21 किलोमीटर, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से 1.5 किलोमीटर पिकअप दिखा रहा है। चलो पिक करते हैं भैया को, और ये राइड न्यू टाउन की है भैया। मज़ा क्या स्टूपिड बंदा है बता भाई, ये बोल रहा है आप कैंसिल कर दीजिए, डायरेक्ट मेरे को बोल रहा है। मैं पूछा फिर क्यों भैया, क्यों कैंसिल करूँ, वो बोल रहा है फिर आपको नहीं जाना है ना। फिर मैं बोल रहा हूँ मैंने कब बोला ऐसा कि नहीं जाना, मैं आ रहा हूँ। और अभी बेहला की राइड उबेर में भी आई थी, तो भाई इतनी अच्छी न्यू टाउन वाली छोड़ करके मैं बेहला की क्यों लूँ। 192 रुपीज़ का 18 किलोमीटर था बेहला की। तो चलो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, बाद में बाकियों को। ऑनलाइन करेंगे क्या? हाँ ऑनलाइन कर। तो गाइस इस राइड का मिला देख लो मेरे को 211। ठीक है, डिस्टेंस जो थी ये बता देता हूँ जरा आपको डिटेलिंग में। देखो इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो 22.4 किलोमीटर, मतलब 22.5 किलोमीटर के 211 रुपये मिले। इतना कम क्यों दिया भैया, इसमें कंप्लेन करने कोई सिस्टम है नहीं, कोई फ़ायदा होगा नहीं, तब भी हम दे देते हैं।
देखो गाइस, मैंने बाइक टैक्सी को लेकर के जो है ना अपडेट जो दिया था, उसमें से ना कुछ बंदे थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब समझ लेते हैं बात को। मैं उसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भाई आप लोग पागल कर देते हो फिर, ठीक है, कमेंट इतना करने लगते हो। तो बात ये थी कि मैंने जो बोला था मैनेट्री, ठीक है, बाइक टैक्सी में कमर्शियल नंबर प्लेट मैनेट्री, इसका मतलब ये नहीं कि अरे भाई तू चाह, हाँ देखो इसका मतलब ये होता है, मैनेट्री का मतलब क्या है, मतलब समझ रहे हो, मैनेट्री में मतलब ऐसा मैंने नहीं बोला था कि आज से ही मतलब मैनेट्री हो गई है, ठीक है, ये आपको कराना पड़ेगा, मैंने ये बोला था। क्योंकि देखो गाइस, जब आरटीओ कर रही है कोई चीज़, पहले बात से समझना, आरटीओ अगर कोई चीज़ कर रही है तो मतलब ये लागू अभी हुआ है या नहीं हुआ है वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वो अगर कर रही है ना, तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आने वाले कुछ दिन में या कुछ महीने में आपको उस चीज़ को लेकर के मैनेट्री होने वाली है। समझ मेरे बात को, पहले समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आरटीओ भी कमर्शियल नंबर प्लेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में जरूर मैनेट्री कर देगा कि आपके पास अगर येलो नंबर प्लेट नहीं है तो आप बाइक टैक्सी नहीं चला सकते, चलाओगे तो 5,000 का चलान देना पड़ेगा, है कि नहीं। आप मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहे हैं ना, क्योंकि देखो भाई आप लोग मतलब मैनेट्री, मैंने एक बार बोल भी दिया था मैनेट्री कर दिया गया है, मतलब किया नहीं गया था, मैंने ये नहीं बोला था कि मैनेट्री कर दिया गया है, मैंने बोला मैनेट्री हो जाएगी कुछ दिनों में, भाई कभी भी हो सकती है मैनेट्री, क्या पता आज के दिन में ही आपके आरटीओ से नोटिस आ जाए कि अब बाइक टैक्सी जो है जितना भी प्राइवेट नंबर प्लेट वाले हैं सबको बंद करो और कमर्शियल वाले जितने उसको वो अलाउ मिलेगा, तब बाकी वाले क्या करोगे भाई, इसी को तो मैनेट्री बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों तक जो है ना मैंने वीडियो बना के दिया था, लेकिन भाई एक बंदा दो बंदा ऐसा है जो कि बात को मैनेट्री को कुछ अलग ही मतलब निकाल ले रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि देखो अगर जब हो रही है तो करा लो, अगर हो रही है तो करा लो। और बात है दूसरी बात कंपनी की, देखो अब मुझे पता है कि कोलकाता में 10-15 हज़ार बंदे हैं जो कि बाइक टैक्सी करते हैं, उसमें से 1,000-1,200 बंदे ही नंबर प्लेट कराए हैं, तो कंपनी अगर बाकी नहीं करवाता है तो कंपनी बंद हो जाएगी। ये ऐसा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी, आपकी रांची वगैरह की ले लो, वहाँ पे कंपनी चल रही है, वहाँ पे राइडर बहुत कम है, ठीक है, मतलब कस्टमर का बुकिंग बहुत कम आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कंपनी बंद कर दिया गया है, ऐसा नहीं, कंपनी चल रही है, कंपनी को भाई फ़ायदा होता है, आपको वो पता नहीं है, कंपनी का एक ही इनकम सोर्स थोड़ी ना उसका, ठीक है। तो 1200 बंदे कर ले या 200 बंदे इसका करे, वो 200 बंदा तो पूरा कंटिन्यू खटेगा, क्योंकि राइड का यहाँ पे डिमांड है, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, राइड का यहाँ पे डिमांड है, तो ऑब्वियसली भाई जो है ना कंपनी को प्रॉफिट ही होगा। 1200 बंदे ही दिन भर में 20-20 ट्रिप करके मारेंगे ना, तो उसका इनकम है, 20 ट्रिप के हिसाब से कंपनी को सोच लो कितना फ़ायदा है। 1200 बंदे मतलब कम नहीं हुए, 1200 एक बार जब लाइन में खड़े हो जाओगे ना 1200, तब समझ में आएगा 1200 कितने होते हैं, सिर्फ नंबर लगती है 1200, अरे यार वो पैसे में छोटी दिखती है, लाइन लगाओगे तो भाई वहाँ तक लाइन लग जाएंगे 1200, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसा मत समझो कि कंपनी बंद हो जाएगी, कुछ अलग सोर्स निकलेगा वो अलग बात है, कुछ अलग चांस निकलेगा वो अलग बात है, लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी, चाहे उसके 1200 बंदे उसमें काम क्यों ना करें, ठीक है। इतनी बड़ी सिटी है कोलकाता, यहाँ पर अगर बाइक टैक्सी बंद हो गई ना तो सोच ले ख़त्म है, तब दिल्ली वगैरह सबकी बंद हो जाएगी, तो ये मत समझाओ करो, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। मेरा ओला उबेर का आईडी में भाई पता नहीं कौन सा बकरा ढूंक के बैठा हुआ है, राइड ही नहीं आने देता भाई। देखो 11 बज गए, मतलब 5 मिनट बाकी है, और देखो राइड आना बंद हो गया भाई, कब से आके बैठा हुआ हूँ, उसको ड्रॉप किया हूँ इको स्पेस, वहाँ से भाई आ गया, ये यात्रा काशी क्रॉस कर चुका हूँ, तब भी राइड नहीं आ रही है, देख लो भैया डेंजर में फंस गया ये, अगर गाड़ी पीछे स्लिप किया तो सीधा कार वाले को ठोक देगा। आप लोग बहुत कोई मेरे बारे में भी पूछ रहे थे कि मैं कमर्शियल कराऊंगा या नहीं, अगर नहीं कराऊंगा तो फिर बाइक टैक्सी छोड़ दूंगा क्या, तो वो बता देता हूँ भाई, मैं कमर्शियल नहीं कराऊंगा, ठीक है, मेरे को कमर्शियल नहीं करवाना, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी स्पेशली। और दूसरी बात भाई, एक बंदा बोल रहा था कि आप, वो एक लड़की का जो है ना मैंने पैकेज ले लिया था, ठीक है, वो मोटो बुक की थी,
तो मैंने पैकेज ले लिया था, ठीक है, वो पैकेज ही मतलब बुक करना चाह रहे थे, उसका मोटो बुक हो गया। अब देखो भाई वो सॉरी बोल दे तो मैं क्यों फालतू का उससे बहस करूँ या राइड क्यों कैंसिल करूँ। हो सकता है उनको पता नहीं है हमको, अब मैं कैसे उसको कैंसिल कर देता भाई, जब ले चुका हूँ तो अब सोचा कि चलो कर ही देता हूँ राइड, क्योंकि राइड कैंसिल करने से अपना ही नुकसान होता है ना, और कस्टमर इंप्रेशन भी ख़राब होती है। चलो भैया करने में क्या जाता है, मैं अकेला कर देता हूँ, लेकिन मैं बेसिकली करता नहीं हूँ कभी भी। ऐसा हुआ है मेरे साथ काफ़ी बार, एक दो बार ही मैंने किया है कि चलो ले लेता हूँ पार्सल, मोटो बुक किया है पार्सल। तो काफ़ी बार कस्टमर लोग क्या होते हैं ना, पैसा ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन इस बार नहीं दिया था। तो एक बंदा भाई मेरे पीछे पड़ गया था, वो बार बार बोला भाई आप ही लोग के कारण जो है ऐसा होता है, ठीक है, कस्टमर जानबूझ के ऐसा करता है। तो देखो भाई हर किसी का मन का बात तो हम नहीं पढ़ सकते ना, वो जान के किया है या रियल में किया है। तो मैंने ले लिया, चलो अब नेक्स्ट टाइम से नहीं लूँगा भाई, सॉरी अगर आप लोग को किसी को कोई तकलीफ हुई होगी तो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से नहीं लूँगा। और दूसरी बात, वो बंदा मेरे को ये भी बोलने लगा आपको क्या है भाई, आपको तो यूट्यूब से अच्छी खासी इनकम हो ही जाती है, ये वो बोलना शुरू कर दिया। भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब से अभी तक एक रुपए की भी इनकम नहीं हुई है, ठीक है, जो होती है हमारी मोटो से ही अर्निंग होती है, मतलब बाइक टैक्सी से ही अर्निंग होती है, और यूट्यूब से एक भी रुपए अभी तक नहीं आया मेरे पास। क्योंकि आएगा ना तो सबसे पहले खुशखबरी मैं आप लोग को ही दूंगा, उसके बाद ही मैं कहीं और शेयर करता हूँ और हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो इसीलिए ऐसा मत बोलो भाई कि मैं भी आप लोग यूट्यूब से बहुत अच्छा खासा कमा लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, मैं कमर्शियल प्लेट नहीं करवाऊंगा तो बाइक टैक्सी करूंगा या नहीं, तो भाई अगर पुलिस वुलिस का दिक्कत हुआ तो मैं नहीं करूंगा बाइक टैक्सी, ठीक है, अगर कमर्शियल पूरी तरह से मैनेट्री हो गई तो फिर मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद देखूंगा उस समय क्या किया जाए। क्योंकि फूड का तो भाई बहुत ही हाल ख़राब है, उसका तो मैं ज्वाइन करने से रहा, बट ट्राई करूँगा, ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग निश्चिंत रहो, जो भी होगा जैसे भी होगा अपडेट मैं देते ही रहूँगा आप लोगों को। और देखो भाई अभी तक नहीं राइड आई, अब पक्का 11 बज गया। एक समय था यहाँ पे इस एरिया में आने के बाद ना, ये देखो सोलांगड़ी एरिया है, ठीक है, जगतपुर रोड टू यात्रा का चीज को बोल सकते हो, ये शॉर्टकट पड़ता है अपना गीतांजलि का। तो बताना चाहता हूँ इस रास्ते में एक टाइम था ऐसा कि आने के बाद इतनी राइड मिलती थी, सबसे ज़्यादा राइड मेरे को इसी एरिया में मिलते थे, बट आज देखो भाई राइड बज ही नहीं रहा। चलो देखते हैं, 11 बज चुका है। और हाँ एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात जो कि है बताना चाहता हूँ कमर्शियल नंबर प्लेट को लेकर के, ये है कुछ जो बंदे हैं वो कस्टमर केयर में कॉल करके बात करते हैं कि कमर्शियल प्लेट करवाना मैनेट्री है या नहीं। देखो अब मैं बताता हूँ, चाहे ओला हो चाहे उबेर हो या रैपिडो हो, ठीक है, किसी भी कंपनी केयर में कॉल करोगे तो देखो वो लोग क्या होता है, स्क्रिप्टेड होती है, क्योंकि उस लाइन में मैं भी जॉब कर चुका हूँ, उसको जितना इन्फॉर्मेशन उसके TL बोलते हैं बोलने को उसी रिगार्डिंग वो बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि उसको बाहर का सिचुएशन पता नहीं होता है कि क्या है नहीं है, वो नहीं बता पाएंगे आपको कि बाहर में पुलिस पकड़ती है तो क्या कैसे क्या होता है। तो ये चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि देखो भाई इसको लेकर के ना, आप कस्टमर केयर से पूछोगे ना वो कभी नहीं बोलेगा कि कमर्शियल नंबर प्लेट आपका जो है मैनेट्री कर दिया गया है या ज़रूरी है, वो तो सीधा बोलेंगे कोई ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आप कुछ नहीं करना है, आपको जो है उसी से चलाओ, वो सीधा यही बोलेंगे। तो आप लोग इस बात पे ध्यान मत देना, क्योंकि भाई देखो सब कुछ डिपेंड करता है आपके RTO ऑफिसर के ऊपर, RTO ऑफिस के ऊपर। अगर RTO वाला अलाउ कर देते हैं कि चलो प्राइवेट नंबर पे ही रहने दो, तो आपको फिर कोई हाथ भी नहीं देगा, ध्यान से सुनना। अभी RTO की तरफ से कोई प्रेशर नहीं किसी पुलिस वाले के ऊपर, इसीलिए आप रास्ते में भी फ्रीडम की तरह गाड़ी चला लेते हो। अगर अभी RTO से थोड़ी सी भी एक नोटिस जारी हो जाए कि जितना भी प्राइवेट टैक्सी वाले हैं सबको पकड़ो, उसके बाद देखो भाई आप कुछ भी कर लो आप बचने नहीं वाले। हाँ वो अलग बात है, किसी के पास यूनियन है, किसी के पास साइड सोर्स है, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आप लोगों को भाई, बाकी आप कस्टमर केयर से पूछोगे ना वो कभी नहीं बोलेगा, आप देख लेना, आपको बिलीव नहीं है ना, आप एक काम करो जब कमर्शियल नंबर प्लेट लगना शुरू हो जाएगा मैनेट्री जाए उस समय भी कॉल करके देख लेना, आपको वो कभी नहीं बोलेगा,
की मैंडेटरी है। दूसरी बात ये है गाइस कि अगर आपका चलान हो जाएगा ना, तो अब लिख के देता हूँ, कोई भी कंपनी आपकी सपोर्ट नहीं करेगी कि चलान हो गई, ठीक है। वो सीधा बोलेंगे कि वो आप देख लो चलान हो गई जो भी हो गई, ठीक है। अभी तो आपको बोल देंगे कि कमर्शियल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वही चलान हो जाएगी ना, तो फिर कंपनी सीधा हाथ खड़ा कर देगी, भैया आप समझ लो। चलो गाइस मैं आपको अर्निंग बता देता हूँ, राइट है, पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिल रही है, राइट है, ठीक है। मैं जाता हूँ फ़ोन को आज रीसेट करूँगा और उसके बाद जो है फिर से करूँगा लॉगिन, ठीक है। तो हमें ये प्रॉब्लम दिख रही है कहीं ना कहीं, तो अर्निंग बता देता हूँ, 211 हमारा ओला में और 250 हमारा ऑफलाइन, ठीक है। ओवरऑल जो अर्निंग हुई है 461, और इसमें से गाड़ी जो चली हमारी 60 किलोमीटर चल गई, माइनस 120 करता हूँ क्योंकि 60 × 2, और 341 रुपये बच रहे हैं हमारे 3 घंटे के काम में, बस 350 रुपये लगभग, आप समझ सकते हो इसको, 3 घंटे में 350 घंटे हैं। चलो, और पेंडिंग हमारा एडिटिंग वगैरह भी है, वो भी क्लियर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ ड्राइव, सेफ योर लाइफ।